इस वीडियो में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे e पावर x को यानी ए एक्स को विद रिस्पेक्ट टू रूट एक्स इस क्वेश्चन में मुश्किल क्या चीज़ है मुश्किल ये है कि इसमें विद रिस्पेक्ट टू x की जगह पे रूट एक्स है एंड दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन समटाइम्स स्टूडेंट्स फाइंड वेरी डिफ़िकल्ट तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को डिफरेंशियट करते हैं बहुत आसान है ये आपको क्या करना है जब भी किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होता है तो उनको यू एंड वी ले लो हम लिखेंगे लेट यू जो है वो ये है एंड ये है वी और हमें फाइंड क्या करना है हमें फाइंड करना है डी यू अपॉन डी वी सिंपल बात समझ आ गई यानी इसे डिफ्रेंशिएट करना है इसके रिस्पेक्ट में अब ये u है ये v है यानी du यू अपॉन डी फाइंड करना है बस और आप जानते हैं du यू अपॉन डी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे du यू अपॉन डी निकालेंगे dv वी अपॉन डीएक्स निकालेंगे और इन्हें डिवाइड कर देंगे है ना ओके तो u है ई एक्स तो du यू अपॉन डीएक्स हो जाएगा ई एक्स बिकॉज ई एक्स का डिफ्रेंशियसन ई एक्स ही होता है v है रूट एक्स तो जब हम इसे डिफरेंशियट करेंगे डी वी अपॉन डी एक्स तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू रूट एक्स आई एम श्योर आपको पता होगा रूट एक्स को कैसे डिफ्रेंशियट करते हैं अगर ये नहीं पता है तो आप आराम से इसको ऐसा करके लिख सकते हैं और फिर ये हाफ़ आगे आ गया जाएगा इस तरह से फिर ये नीचे चला जाएगा तो x की पावर हाफ़ और इवेंचुअली ये बन जाएगा और अगर आपको डायरेक्ट पता है फिर तो बहुत अच्छी बात है बेसिकली हमें ये दोनों मिल चुके हैं तो अब हम लिखेंगे कि देआर du डी यू अपॉन डी वी ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स तो डी यू अपॉन डी एक्स से ई पावर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स से वन अपॉन टू स्क्वायर रूट एक्स अब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा टू रूट एक्स ए एक्स और ये हमारा आंसर है